हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक और न्यू शंख दिखाऊंगा जो मैंने आज से पहले कभी इसका वीडियो नहीं दिखाया, ना ही इस पर कभी वीडियो बनाया है। सो टोटली न्यू शंख है, वामावर्ती कैटेगरी का ही शंख है। इस शंख का नाम है नरसिम्हा शंख। तो आप देख लीजिए, ये मेरे हाथ में है, बिल्कुल न्यू, कभी ना देखने जाने वाला या बहुत कम देखे जाने वाला या बहुत रेयर शंख है ये। ये अभी जो मेरे हाथ में है ये 6 इंच का शंख है, लेकिन इसका मैक्सिमम रिकॉर्डेड साइज़ जो है अभी तक 9 इंच बताया गया है। तो ये जो 6 इंच है इसमें मैंने होल किया है, लेकिन ये बज नहीं रहा है, तो ये नॉन ब्लोइंग है। लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि जो 9 इंच का जो शंख रहेगा वो बजेगा या नहीं, ये मैं श्योर नहीं हूँ। ये इस पर मैं फ्यूचर में डेफिनेटली, इस पर मैं जब मेरे हाथ में 9 इंच तक का शंख आएगा तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊँगा और उसमें मैं ट्राई करूँगा कि वो बजे। तो अभी के लिए नॉन ब्लोइंग है, लेकिन ब्लोएबल भी हो सकता है, सो इस पे मैं श्योर नहीं हूँ। तो यही आज ये शंख आपको दिखाना था। इसका साइंटिफिक नेम है मेलंगेना पैचुला, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको पैसिफिक कॉन्क करके कहा जाता है, पैसिफिक क्राउन कॉन्क। तो ये इसका एक और कॉमन नेम है, पैसिफिक क्राउन कॉन्क। इस शंख में आपको नाभि नहीं मिलेगी, देखने को है ही नहीं, इसमें बहुत छोटा सा एक गैप है, तो उसे नाभि कहा जा सकता है, लेकिन लाइन है नहीं। तो इसका ये मतलब नहीं कि नकली शंख है, नकली नहीं है, असली है। आप इसका साइंटिफिक नेम मेलंगेना पैचुला आप गूगल कर सकते हैं, या फिर पैसिफिक क्राउन कॉन्क आप गूगल कर सकते हैं, आपको इसका ये मिल जाएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 9 इंच इसका मैक्सिमम रिकॉर्डेड साइज़ है, और गल्फ ऑफ मेक्सिको साइड में ज़्यादा मिलता है। तो इसके ब्राउन कॉम्प्लेक्शन की वजह से इसको नरसिम्हा नाम दिया गया है, क्योंकि लायन जैसा कलर जैसा इसका है, ब्राउनिश कॉम्प्लेक्शन है। इसको एक और नाम कहा गया है, इसको वामन शंख भी कहा जाता है, क्योंकि दिखने में काफ़ी बौना है, लेकिन इसका जो वाइडनेस है ज़्यादा है, वाइड है, चौड़ा है, लेकिन इसकी जो लंबाई है ज़्यादा नहीं है, बौना सा शंख दिखता है, इसलिए इसको वामन शंख भी कहा गया है। और ब्राउन कॉम्प्लेक्शन की वजह से इसको नरसिम्हा नाम भी कहा गया है, नरसिम्हा शंख। तो ये टोटली न्यू शंख है, मैंने भी पहली बार ही देखा है, रेयर है, ख़रीदने लायक है, पूजा घर में रखने लायक भी है, और किसी को डेकोरेटिव, ऐसा डेकोरेटिव यूज़ करना हो तो वो भी वैसे भी रख सकता है घर में, दोनों काम के लिए यूज़फुल है। तो ये भी शंख आप घर में ले सकते हैं। यदि किसी को चाहिए होगा ये वाला शंख, तो आई कैन प्रोवाइड, मुझे आप कमेंट में या फिर आप मेरे वीडियो में मुझे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे, तो मैं ये शंख प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो यही था आज का वीडियो, यही शंख दिखाना था आपको, नरसिम्हा शंख। ऐसे ही अलग अलग शंख मैं आपको वीडियोज़ में बताते रहूँगा, अलग अलग न्यू शंख मैं आपको डिस्प्ले या उसका डेमोन्स्ट्रेट करते रहूँगा, और स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे भी मैं बात करते रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा।